हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, लेट वाई एक्स बराबर यू एक्स साइन एक्स प्लस वी एक्स कॉस एक्स बी ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू सेक एक्स देन यू एक्स इज इक्वल टू। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास पूछे जाते हैं तो ऑप्शन दिए हुए होते हैं। इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन मैंने उनका लिखा नहीं, क्योंकि हमें सोल्यूशन करना सीखना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम पहले इसका सीएफ निकालेंगे, सॉल्यूशन। अगर सीएफ निकालनी है तो पहले एक्सेलरेटेड इक्वेशन लिखेंगे। एक्सेलरेटेड इक्वेशन क्या होगी इसकी, यहां से एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से हो गया हमारे पास एम बराबर प्लस माइनस आयोटा। तो सीएफ लिख सकते हैं यहां से सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ये हो गया हमारे पास इसका सीएफ। अब फिर जब सी एफ हो गया तो अब लेट यू बराबर कोस एक्स एंड वी बराबर साइन एक्स, तो उसका कंडीशन हो गया यू बराबर कोस एक्स ले लें, वी बराबर साइन एक्स। फ्रेंड्स, यहां पे यू एक्स वाला यू नहीं है, ये अलग है, यू एंड वी बराबर ये ले लें। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इसका रोन्सकियन होगा, रोन्सकियन निकाले तो वो होगा हमारे पास यू वी यू डैश वी डैश बराबर, इसको लिख सकते हैं हम कोस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये हो गया। तो कोस स्क्वायर एक्स और ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन इस मेथड से निकाल सकते हैं, जब क्योंकि नॉन इक्वल टू जीरो है तो उस कंडीशन हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये जोन्स के नॉन इक्वल टू जीरो है, अब इसका हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन होगा हमारे पास यू बराबर कोस एक्स कोस एक्स एफ एक्स प्लस साइन एक्स जी एक्स, जहां पे एफ और जी कोई फंक्शन है जिनको हमें अब निकालना है। तो फ्रेंड्स, अगर एफ एक्स और कोस एक्स निकालना है तो उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस वी आर अपॉन ओमेगा, यानी रोन्सकियन जो था ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेट विद डीएक्स। तो ये एफ एक्स बराबर हो गया, तो एफ एक्स बराबर यहां से हम लिख सकते हैं माइनस वी, वी क्या है हमारे पास यू, यू यू ये है और वी साइन था, यू ये था सॉल्यूशन है वाई बराबर यू एंड वी। तो ये साइन एक्स जो हमने पहले माना था यू और वी वही है, तो ये हो गया साइन एक्स आर आर जो राइट हैंड साइड में है यानी sec x अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू जो क्या आई थी वन आई थी, ये हुआ डी एक्स तो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन ये cos x एंड टेन एक्स डी एक्स बराबर, इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस log sec x, ये इसको लिख सकते हैं हम log कोस एक्स, तो जब माइनस में चले जाएंगे तो वन अपॉन सेक एक्स हो जाएगा, वन अपॉन सेक एक्स को कोस एक्स लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास एफ एक्स। अब फ्रेंड्स, अगर जी एक्स निकालना है तो जी एक्स बराबर होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ यू आर अपॉन डब्ल्यू, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं होता जी एक्स के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास यू जो है वो हमारे पास साइन एक्स, सो यू जो है वो कोस एक्स, ये हो गया कोस एक्स डॉट डब्ल्यू जो है वन और आर जो है सेक एक्स sec x dx, तो ये हो गया हमारे पास cos x dot sec x वन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओनली dx का आएगा तो ये हो जाएगा x, ये हो गया हमारे पास। फ्रेंड्स, अब अगर हम दोनों को लिखना चाहें सॉल्यूशन को, सी एफ प्लस पी आई लिखना चाहें तो सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x, ये तो सी एफ था, और पी आई जो था वो आया हमारे पास कोस एक्स डॉट एफ एक्स, एफ एक्स क्या है हमारे पास ये वाई टर्म लॉग कोस एक्स, ये हो गया हमारे पास ये नीचे आया नीचे वाली टर्म में, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस कोस एक्स और लॉग कोस एक्स, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन एक्स डॉट एक्स, यानी साइन एक्स और जी एक्स की वैल्यू जो आई वो एक्स,
ये हो गया हमारे पास। अब फिर हमें चाहिए क्या, हमारे पास पूछा गया ux डॉट sin x, यानी sin x कॉमन लेना है हमें। तब हमारे पास जो अंदर जो sin x कॉमन लेने के बाद जो बचे वो टर्म, तो sin x यहां से कॉमन ले तो सी टू, और यहां से ले तो सी टू प्लस एक्स sin x, और अगर cos x कॉमन ले जिसको हमें जरूरत नहीं है सी वन प्लस log cos x डॉट cos x। हमें पूछा गया है ux की वैल्यू, ux इज इक्वल टू, तो ux की वैल्यू जो है वो c2 प्लस x, तो यहां से हमारे पास ux बराबर आ गया c2 प्लस x। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किस तरह से हम कर सकते हैं ये देखने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।